हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेनू बहुरा, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, MS कॉलेज बीकानेर। मेरी आज की टॉपिक है जोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। जूज़ोग्राफी इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ सरफेस। जूज़ोग्राफी क्या है? एक्चुअली एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो अर्थ की सरफेस पर किया गया है। सेवरल अटेम्प्ट हैव बीन मेड टू डिवाइड सरफेस ऑफ द अर्थ इन वेरियस रीजन्स। बहुत सारे अटेम्प्ट कितनी बार ही किए गए कि अर्थ की सरफेस को जो है अलग अलग रीजन्स के अंदर बांट दिया जाए। ईच रीजन हैविंग कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप ऑफ एनिमल्स, और हर रीजन में जो है उसके अकॉर्डिंग एनिमल्स पाए जाते हैं। आउट ऑफ ऑल दीज अटेम्प्ट द वर्क ऑफ A.R. वेलिस 1876 इज ऑफ इम्पॉर्टेंस। सभी अटेम्प्ट्स साइंटिस्ट ने जो किए उसमें से A.R. वेलिस 1876 में जिस अटेम्प्ट किया था उसका सबसे इम्पोर्टेंट है। वेलिस डिवाइडेड अर्थ सरफेस इन फॉलोइंग 6 रीजन्स। 6 रीजन्स में इसने अर्थ की सरफेस को डिवाइड किया गया, और सभी रीजन्स के अलग अलग नेम्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, पहला है पहली आर्कटिक रीजन, सेकंड है नियार्कटिक रीजन, थर्ड है नियोट्रॉपिकल रीजन, फोर्थ है इथियोपियन रीजन, फिफ्थ है ओरिएंटल रीजन, और सिक्स्थ है ऑस्ट्रेलियन रीजन। एक एक करके हम सारे रीजन्स करेंगे। तो फर्स्ट है पहली आर्कटिक रीजन। दिस रीजन इंक्लूड्स होल ऑफ यूरोप एंड मेजर पोर्शन ऑफ एशिया। इस रीजन के अंदर यूरोप का जो है पूरा पोर्शन इंक्लूड किया जाता है और एशिया का मेजर पोर्शन इंक्लूड किया जाता है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम कोरिया जापान ऑन ईस्ट टू ब्रिटिश आइलैंड नॉर्वे स्वीडन ऑन वेस्ट। ये एक्सटेंड होता है कोरिया जापान ईस्ट में जापान से ब्रिटिश आइलैंड के साथ में नॉर्वे और स्वीडन जो है वेस्ट के अंदर, इस सब को इंक्लूड किया जाता है। सहारा डेजर्ट मेक्स एन अफेक्टिव बैरियर बिटवीन दिस रीजन एंड इथियोपियन रीजन। सहारा डेजर्ट जो है वो एक तरह से बीच में बैरियर है इस रीजन में और इथियोपियन रीजन में। सिमिलरली हिमालयन रेंजेस मेक एन अफेक्टिव बैरियर बिटवीन पैली आर्कटिक एंड ओरिएंटल रीजन। हिमालयन रेंज जो है वो एक तरह से बहुत बड़ा बैरियर है, एक तो पहली आर्कटिक रीजन और दूसरा ओरिएंटल रीजन के बीच में। इट इंक्लूड्स USSR, चाइना, मंगोलिया, पार्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ये इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है रशिया, चाइना, मंगोलिया और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का कुछ पार्ट इंक्लूड किया जाता है, और नॉर्थ ऑफ सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट का नॉर्थ रीजन जो है वो इंक्लूड किया जाता है, एंड नॉर्दर्न सऊदी अरेबिया, और नॉर्दर्न पार्ट जो है सऊदी अरेबिया का वो भी इंक्लूड किया जाता है। इन ईस्ट दिस रीजन इज सेपरेटेड फ्रॉम नियार्कटिक रीजन बाय ए नैरो बेरिंग स्ट्रेट। ईस्ट के अंदर ये रीजन सेपरेट होता है नियार्कटिक रीजन के द्वारा, बीच में एक बहुत पतली सी बेरिंग स्ट्रेट पाई जाती है। नेक्स्ट रीजन है नियार्कटिक रीजन। दिस रीजन इंक्लूड्स नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, मैक्सिको, USA, कैनेडा, अलास्का, ग्रीनलैंड एंड आइसलैंड आर इंक्लूडेड इन दिस रीजन। इस रीजन के अंदर नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट इंक्लूड किया जाता है, मैक्सिको, USA, कैनेडा, अलास्का, ग्रीनलैंड, आइसलैंड इस पूरे रीजन में इंक्लूड किए जाते हैं। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम पैली आर्कटिक रीजन बाय अटलांटिक ओशन ऑन वन साइड एंड बेरिंग स्ट्रेट ऑन दी अदर। ये रीजन जो है नियार्कटिक रीजन, ये पैली आर्कटिक रीजन से सेपरेट होता है, बीच में पाया जाता है अटलांटिक ओशन एक साइड के अंदर और दूसरी साइड में नैरो बेरिंग स्ट्रेट पाई जाती है। तो ये हुआ सेकेंड रीजन। अब है थर्ड रीजन, नियोट्रॉपिकल रीजन। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम साउथ ऑफ मैक्सिको टू होल ऑफ द सदर्न अमेरिका।
विद साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट वेस्ट इंडीज़ गैलापागोस आइलैंड। ये एक्सटेंड होता है मैक्सिको के साउथ से लेकर के पूरा साउथ अमेरिकन विद साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, उसके साथ में वेस्ट इंडीज़ गैलापागोस आइलैंड। फॉकलैंड आइलैंड्स एटसेट्रा आर इंक्लूडेड इन दिस रीजन। इस रीजन के साथ फॉकलैंड आइलैंड भी इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट रीजन है इथियोपियन रीजन। दिस रीजन इंक्लूड्स मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट साउथ ऑफ सहारा डेजर्ट। पूरा करीब करीब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को इंक्लूड किया जाता है इसके अंदर, और सहारा डेजर्ट का सदर्न पोर्शन इंक्लूड किया जाता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स सदर्न पोर्शन ऑफ सऊदी अरेबिया, मेडागास्कर एंड एडजॉइनिंग आइलैंड्स। इस रीजन के अंदर साउथ पोर्शन जो है सऊदी अरेबिया का, वो भी इंक्लूड किया जाता है। मेडागास्कर और उसके आसपास के आइलैंड को भी इंक्लूड किया जाता है इथियोपियन रीजन में। अब नेक्स्ट रीजन है ऑस्ट्रेलियन रीजन। दिस रीजन मेनली इंक्लूड्स ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, न्यूजीलैंड एंड न्यू गिनी। इस रीजन के अंदर पूरा आइलैंड जो है कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया इंक्लूड किया जाता है, उसके साथ में तस्मानिया, न्यूजीलैंड और न्यू गिनी इंक्लूड किए जाते हैं। वेदर टू इंक्लूड सेलेब्स इन दिस रीजन इज कंट्रोवर्शियल। इसके साथ ही सेलेब्स जो है उसको इंक्लूड किया जाता है या नहीं, ये कंट्रोवर्शियल है, विवादित है। वेलिस इंक्लूडेड सेलेब्स इन ऑस्ट्रेलियन रीजन, बट मॉडर्न वर्कर्स प्रिफर टू इंक्लूड इट इन ओरिएंटल रीजन। वेलिस जो साइंटिस्ट था उसने ऑस्ट्रेलियन रीजन के अंदर ही इंक्लूड किया था सेलेब्स को, लेकिन जो मॉडर्न वर्कर्स हैं साइंटिस्ट, उन्होंने सभी ने ओरिएंटल रीजन में सेलेब्स को इंक्लूड किया था। ए हाइपोथेटिकल लाइन सेपरेटिंग ओरिएंटल एंड ऑस्ट्रेलियन इज कॉल्ड वेलिस लाइन। एक हाइपोथेटिकल लाइन जो ओरिएंटल रीजन और ऑस्ट्रेलियन रीजन के बीच में प्रेजेंट होती है, यदि ड्रॉ करें दोनों को सेपरेट करते हुए, तो इस लाइन को कहते हैं वेलिस लाइन। दिस लाइन पासिस बिटवीन जावा एंड सुमात्रा एंड बोर्नियो एंड सेलेब्स। ये लाइन पास होती है जावा और सुमात्रा और बोर्नियो और सेलेब्स के बीच में से। दस पार्ट ऑफ ईस्ट इंडीज ग्रुप ऑफ आइलैंड इज इंक्लूडेड इन ऑस्ट्रेलियन रीजन। इसलिए इस लाइन को ड्रॉ करते हुए ये देखते हैं कि ईस्ट इंडीज ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है वो सारा ऑस्ट्रेलियन रीजन के अंदर इंक्लूड होता है। नेक्स्ट रीजन है ओरिएंटल रीजन। दिस रीजन मेनली इंक्लूड्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पार्ट ऑफ एशिया, साउथ ऑफ हिमालयन रेंजेस एंड पार्ट ऑफ चाइना। इस रीजन के अंदर पूरा सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंक्लूड किया जाता है, उसमें कुछ पार्ट एशिया कॉन्टिनेंट का भी इंक्लूड किया जाता है। हिमालयन रेंजेस का साउथ पोर्शन इंक्लूड किया जाता है और चाइना का कुछ पार्ट जो है इसके अंदर ओरिएंटल रीजन में इंक्लूड किया जाता है। साउथ ऑफ नानलिंग रेंजेस आर इंक्लूडेड इन दिस रीजन। जो सदर्न पोर्शन है नानलिंग रेंजेस का, वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। दस ओरिएंटल रीजन मेनली इंक्लूड्स इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, सिलोन, बर्मा, मलाया, सुमात्रा, बोर्नियो एंड फिलिपीन आइलैंड्स। इस ओरिएंटल रीजन के अंदर इसलिए इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, सिलोन मीन श्रीलंका, बर्मा, मलाया, सुमात्रा, बोर्नियो और फिलिपीन आइलैंड्स इंक्लूड किए जाते हैं। पार्ट ऑफ चाइना साउथ ऑफ नानलिंग रेंज इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस रीजन, और कुछ पोर्शन चाइना का और नानलिंग रेंजेस इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। ओरिएंटल रीजन को फर्दर जो है
सब रीजन्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, और ये सब रीजन्स, चार सब रीजन्स है जिसके अंदर ओरिएंटल रीजन को डिवाइड किया जाता है, वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओरिएंटल रीजन को हम जो है डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। अब देखिए, आप ये डायग्राम देख सकते हैं, इसके अंदर अलग अलग कलर में, पर्पल कलर में नियार्क्टिक रीजन है और ग्रीन कलर में नियोट्रॉपिकल रीजन है, पैलियार्क्टिक रीजन ब्लू कलर में है, इथियोपियन रीजन येलो डल ब्राउनिश कलर का है, ऑस्ट्रेलियन रीजन जो है ब्राउन कलर का है, और ओरिएंटल रीजन यहाँ पर दे रखा है ब्लैकिश पोर्शन में। तो इसके साथ ही आज जो है पार्ट वन जो जोग्राफिकल रीजन्स का समाप्त होता है। थैंक यू।